हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सोक्रेटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे फिलोसोफर कम एजुकेशनल थिंकर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट और एजुकेशनल थिंकर ना मिल रहा हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं करवाने की कोशिश करती हूँ। सोक्रेटीज इम्पॉर्टेंट हैं, सोक्रेटीज के स्टूडेंट रहे हैं प्लेटो, बेसिकली प्लेटो के गुरु थे ये, और प्लेटो के स्टूडेंट रहे हैं एरिस्टोटल। सो इनमें से अगर कोई भी मतलब आपके सिलेबस में है, चाहे प्लेटो है, चाहे एरिस्टोटल है या सोक्रेटीज हैं, तो भी आपको इन तीनों को पढ़ लेना जरूरी है ताकि आपको एक सिनेरियो और चीजें समझ आ जाए। ओके, तो सोक्रेटीज का ये टाइम पीरियड रहा है जी 469 से 399 BCE, बिफोर कॉमन एरा हम इसको बोल देते हैं। तो सोक्रेटीज को इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगी आपको, और स्टोरी की तरह समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको समझ भी आ जाए और चीजें याद भी रह जाए। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो एक बार शुरू करते हैं। सोक्रेटीज को इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जनरली अक्लेम किया जाता है कि ये फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी हैं। आप गूगल पे भी कहीं सर्च करेंगे तो भी सोक्रेटीज ही आपको फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी मिलेंगे। उसके साथ साथ जो भी एग्जाम आते हैं उनमें भी फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी जो है वो सोक्रेटीज को बोला जाता है। लेकिन उस टाइम पे तो बहुत सारे फिलोसोफर्स रहे होंगे ना, तो सोक्रेटीज को ही क्यों बोला जाता है फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी? इसके कई रीजन हम मान के चल सकते हैं, जिनमें से मेनली रीजन है कि वो प्लेटो के टीचर रहे हैं, और प्लेटो जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थिंकर रहे हैं। उन्होंने बहुत वास्ट जो है वो काम किया है, और अपनी टीचिंग्स में मतलब अपनी जो राइटिंग्स है उनमें सोक्रेटीस की टीचिंग्स को मेंशन किया है। ओके, और सोक्रेटीस की टीचिंग या उनके काम को मेंशन करते हुए उन्होंने अपने साथ भी कंपेयर किया है कि कैसे उनके टीचर से उनकी चीजें कैसे अलग हैं, या एक कंपैरिजन आपको देखने को मिलता है। तो प्लेटो की वजह से भी फेमस है ये थोड़ा सा ना, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि ये इनका जो करेज था, क्योंकि जब हम इनकी लाइफ स्टोरी में अभी आपको बताऊंगी लाइफ हिस्ट्री पूरी की पूरी, सो उस टाइम पे आप देखेंगे कि जब इनकी मृत्यु का टाइम आया, तो क्योंकि इनके जो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से इनको जेल में डाल दिया गया था कि भाई आप तो यूथ को उकसा रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस वजह से जब ये जेल में थे और इनको मृत्यु की सजा दे दी गई थी, तो उस टाइम पे इन्होंने खुद अपने जो प्यूपिल्स हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के बीच में बैठ के, और पूरा जो हेमलॉक बोला जाता है एक तरीके का पॉइजन, तो वो पॉइजन पी के इन्होंने जो है वो एक क्लियरेस्ट प्रूफ दिया था कि ये कितने जो हैं करेजियस हैं। और वो जो इनकी डेथ का एपिसोड है ना, पूरा का पूरा एक तरीके से जो उस टाइम पे चीजें घटित हुई, सो वो एपिसोड भी अपने आप में कुछ ना कुछ सिखाता है, क्योंकि अपने हिसाब से जब इन्होंने वो डेथ के लिए वो पिया था ड्रिप पॉइजन, सो उस टाइम पे उन्होंने वो ये, अब इनकी जो डेथ है ना वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है वो अभी डिस्कस करेंगे। सो ये एक करेज इनका दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन या सेकंड, मतलब ओवरऑल सेकंडली आप ये मान सकते हैं कि ये स्ट्रीट थिंक कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लेटो की वजह से ये फेमस है पहला रीजन, प्लेटो के साथ साथ जो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि दूसरा था ये बहुत करेजियस थे, और अगर ओवरऑल तीसरे की या सेकेंडली बात करें तो स्ट्रीट थिंकर जो है ये रहे हैं, यानी ये अपने पढ़ाई हुई चीजों के लिए या टीचिंग्स के लिए ये पैसे नहीं लेते थे, रेम्यूनरेशन नहीं लेते थे बदले में, ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं थे ये उन चीजों में। जबकि और बहुत सारे टीचर होते जैसे सोफिस्ट, उस टाइम पे जो सोफिस्ट थे वो पैसे लेते थे पढ़ाने के लिए, राइट, बट ये नहीं लेते थे। तो एक जो फिलोसफी ऑफ क्लैरिटी है वो हमें पता चलती है इनके स्टूडेंट के थ्रू, कि इन्होंने एक फिलोसफी ऑफ क्लैरिटी जो है वो डेवलप की। ओके, तो यहां से, और ये मतलब वो था ना कि ये अभी इनको पैसे के लिए तो पढ़ाना नहीं था, तो जिन बच्चों को या जिनको भी ये पढ़ाते थे ये बेसिकली रिकग्नाइज कर पाते थे, आइडेंटिफाई कर पाते थे कि इनमें से बेस्ट कौन है, मोस्ट कमिटेड पर्सन कौन है। सो ये सारी चीजें मतलब अट्रैक्ट करती थी स्टूडेंट्स को उनकी तरफ, कि हाँ ये अब पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, पैशन के लिए चीजें हैं, सिखाना चाह रहे हैं, तो काफी अट्रैक्टिव फील करते थे स्टूडेंट्स भी, ठीक है। देन अगर बात करें तो अटेंशन या जो एक रिस्पेक्ट है वाली चीज है वो कहां से इनको मिलती है, क्योंकि इनकी जो टीचिंग्स है ना वो फैल गई इनके जो इमीडिएट फॉलोअर्स हैं उनके जरिए, यानी कि इनके जो स्टूडेंट रहे हैं प्लेटो, उन्होंने अब इनकी टीचिंग्स के बारे में लिखा, देन प्लेटो के बाद एरिस्टोटल ने भी इनको मेंशन किया, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये जो क्लैरिटी है ना, दिस क्लैरिटी अट्रैक्टेड होल ऑफ द वेस्ट,
थ्रू हिज फॉलोअर्स. तो आपने मतलब इनके फॉलोअर्स के जरिए इनकी जो क्लैरिटी फैली वो जो है अट्रैक्ट करती है सारे के सारे वेस्ट को इनकी तरफ. तो इसीलिए वेस्टर्न फिलोसफी के जो है फादर इनको बोला जा रहा है. ओके, एक अरेबिक फिलोसफर जो है, एज द अरेबिक फिलोसफर एविसीना, उन्होंने ट्रांसलेट भी किया है एरिस्टोटल के काम को लैटिन में, और चर्च ने जो है एक नोटिस भी निकाला इन तीन ग्रेट सोक्रेटिक फिलोसफर के लिए. सो ये तीन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जब भी नाम आए, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल. ओके, अगेन इन तीनों को रेनेसेंस के टाइम पे भी रीडिस्कवर किया गया, इनकी चीजों को पढ़ा गया, इन चीजों को थोड़ा जो है वो ट्रांसलेशंस मिले, अलग अलग जगह ये चीजें फैली. सो इनका जो रैशनल, प्रैक्टिकल और जो साइंटिफिक आइडिया था ना वो इन्फ्लुएंस्ड, मतलब वहां से चीजें इन्फ्लुएंस हुई. कौन सी चीजें? जो गवर्नमेंट वाली चीजें हैं या रिलीजियस लेवल पे चीजें हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में रेनेसेंस के बाद जब इनको रीडिस्कवर किया गया तो इनकी आइडियाज से, इनकी रैशनल प्रैक्टिकल फिलोसफी से, साइंटिफिक आइडियाज से लोग अट्रैक्ट हुए और वहां से चीजें इन्फ्लुएंस हुई. ओके, सो एक ओवरऑल हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहां देखने को नजर आता है. और सोक्रेटिस जो है वो इसीलिए आज भी फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी के नाम से जाने जाते हैं. ओके, अगर नेक्स्ट बात करें तो इनकी जो फिलोसफी है वो आज भी रेजोनेट करती है. मतलब जो होता ना कि पहले वाली, पहले ये तो बहुत पहले की बात हो गई, लेकिन स्टिल इनकी चीज़ें जो है वो आज भी रेलेवेंट हैं. सोक्रेटिक मेथड या हम बोल देते हैं डायलेक्टिकल मेथड जो इन्होंने दिया था, सो वो आज भी रेलेवेंट है क्योंकि उसमें डिस्कशन की, क्वेश्चनिंग की बात हुई थी. ओके, सो इतनी चीज जो आज भी इम्पॉर्टेंट है इंसान या उसकी फिलोसफी, सो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है फेमस तो रहेगा. ओके, सो ये फेमस होने के इनके मेजर रीजन है कि वो प्लेटो के टीचर थे, प्लस काफी करेजियस थे, देन वो स्ट्रीट थिंकर थे, रेम्यूनरेशन नहीं लेते थे, और नेक्स्ट जो है आज की डेट में वो रेजोनेट करती है उनकी फिलोसफी. ठीक है जी, अगर इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट नथिंग इज नोन ऑफ द चाइल्डहुड, या जो पेरेंटिंग इनकी कैसे हुई उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है. बट जो जो चीज़ें पता हैं उनकी लाइफ के बारे में वहाँ से हम कुछ चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं. ओके, हमें ये पता है कि इन्होंने स्कूल ऑफ एथेंस जो है वो ज्वाइन किया था, तो हम मान सकते हैं कि ये एरिस्टोक्रेट रहे होंगे. इनकी जो फिलोसफी या जो थिंकिंग रही होगी वो एरिस्टोक्रेटिक रही होगी. जो हम आगे भी पढ़ेंगे, एरिस्टोक्रेट मतलब ये डेमोक्रेसी को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये एरिस्टोक्रेटिक जो है फिलोसफी मानते हैं. क्यों मानते हैं? कि ये मानते हैं कि जो एक इंसान अगर वो कैपेबल है तो एक कैपेबल इंसान बाकी सारी चीजें बेटर तरीके से संभाल सकता है, रादर देन सबका जो है निर्णय लिया जाए, सबसे पूछा जाए. सो उस चीज की बजाय, तो ये डेमोक्रेसी की बजाय एरिस्टोक्रेटिक इनकी फिलोसफी नजर आती है. मिडिल क्लास फैमिली से ये हैं. दूसरा, ये आर्किलेस के जो है प्यूपिल रहे थे उस टाइम पे. सो इनका काफी इंटरेस्ट जो है वो देखने को मिलता है साइंटिफिक थियोरीज ऑफ एनैक्सागोरस. ओके, बट बाद में धीरे धीरे जब ये बड़े होते हैं तो उस टाइम पे ये इन्वेस्टिगेशन वाली चीज़ों की तरफ डेडिकेटेड ज़्यादा हो जाते हैं, कि एक मॉरल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जो जो फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ें हैं ये उनको इंक्वायर करने लग जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं. जो बेसिकली पहले साइंटिफिक थियोरीज में इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, अभी एक तरीके से चीज़ों को वो पूछताछ वाली, इन्वेस्टिगेशन वाली चीज़ें यहाँ आ जाएंगी. ये वो चीज़ें हैं जो इन्होंने की हैं अपने लाइफ टाइम के दौरान. सबसे पहले मिलिट्री हीरो, सो ये अंटिल द एज ऑफ 18 उन्होंने मिलिट्री सर्विस में एंटर कर गए थे, यानी कि उन्होंने पढ़ना चालू रखा होगा, अपना पढ़े होंगे अच्छे से, तभी वो जो है एंटर हुए. उसके साथ साथ जो वारफेयर है वहां पर भी इनका पार्टिसिपेशन रहा, युद्ध में भी इनका पार्टिसिपेशन रहा. और अगर बाद में बात करें तो ये क्या बोलते हैं, जैसे ही वो वार से निकले सो उस वॉर के बाद जो है फिर ये फर्दर रिटायर हो जाते हैं और फिर एक एक्टिव लाइफ के लिए ये काम करने लग जाते हैं स्टोन मैसन का, अपने बच्चों और बीवी को मतलब पालने के लिए, रेज करने के लिए. ठीक है, ये स्टोन मैसन अगर हम बोले तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है उनके लिए पत्थरों को तराशना वो हम बोल सकते हैं, वो स्टोन मैसन रहेगा. और स्टोन कटर में भी यही चीज एक तरीके से आएगी कि टाइम टू टाइम उन्होंने स्टोन कटर की तरह भी काम किया है, पत्थर को काटने का या तराशने का काम. ओके, स्कल्पचर जो है ये उसके बाद स्कल्पचर भी रहे हैं. इन्होंने दो काम पूरे किए हैं स्कल्पचर में, एक हर्मिस है द गोल्ड और एक है जी द थ्री ग्रेसेस. तो ये दो पिक्चर्स लगा लीजिए, पिक्चर नहीं बोलेंगे क्योंकि पिक्चर तो आप उसको पेंट कर दो या वो सिचुएशन में आ गई. स्कल्पचर इज लाइक आपने पत्थर से तराश के कोई चीज बनाई है. ओके,
शादी की अगर बात करें तो इन्होंने ज़ेंथपी से शादी तो की, बट ऐसा मतलब वो इससे थोड़ा नाराज रहती थी कि ये अपने टीचिंग्स के लिए पैसे चार्ज नहीं करते। सो वहाँ पे थोड़ी सी एक रिजेंट जो है वो रिजेंटमेंट नज़र आती है उनकी। उसके बाद जो क्रैको का लॉ है ना, उन्होंने क्या किया 415 BC में, उन्होंने पॉलीगैमी को सपोर्ट किया या अथोराइज्ड कर दिया, यानी बहुविवाह एक तरीके से, यानी एक इंसान ज़्यादा लेडीज से शादी कर सकता है। किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द मेल पॉपुलेशन। तो मेल पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए पॉलीगैमी को सपोर्ट वहां पे मिल गया है, अथॉरिटी में आ गई है, पॉलीगैमी को अथोराइज कर दिया गया है। तो सोक्रेटिस, ऐसा माना जाता है कि सोक्रेटिस ने उस टाइम पे जो है वो दूसरी शादी भी की थी। ओके, तो सेकेंड वाइफ जो है उनकी वहां पे होगी, ऐसा मान रहे हैं हम, बिलीव किया जाता है। देन फिलोसफिकल करियर की बात करेंगे तो वो होता ना कि हाँ, मतलब इनके अंदर इनहेरिटेड थी वो स्कल्पचर वाली चीजें तो इनके फादर से, क्योंकि इनके फादर जो हैं सोफ्रोनिसस, वो क्या थे, सोफ्रोनिसकस, ओके, वो एक स्कल्पचर थे, बट सोक्रेटिस ने इतना सारा काम किया था, तो एक जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी उस वजह से एक अपॉर्चुनिटी लेते हुए इन्होंने जो है फुल टाइम अटेंशन किसको दे दी, फिलोसफिकल डायलॉग की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, उसको इन्वेंट करने के लिए, टू इन्वेंट द प्रैक्टिस ऑफ फिलोसफिकल डायलॉग। सो ऑब्वियसली यहाँ फिलोसफिकल करियर जब उनका शुरू हुआ तो वो तो फिर लाइफ टाइम चला ही। ओके, अगर उनकी ट्रायल की या डेथ की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं वो डिसप्लीज्ड थे, अच्छे मतलब वो खुश नहीं थे कि उनके बच्चों के ऊपर इनका असर पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये सही इन्फ्लुएंस उनके बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। सो वो सारी की सारी चीज़ें जो, और वो प्लस वो जो डेमोक्रेटिक रिजीम है उनके ओपोनेंट जो हैं, मतलब उसके जो अपोज में ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशंस हैं उनके साथ वो जुड़ना, सो वो एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर जो है वो बन गए थे इन चीज़ों की वजह से। ओके, इसी वजह से उनको फिर जेल में डाल दिया गया था। जो एथेनियन जूरी थी उन्होंने ये चार्जेस, क्या चार्जेस थे इनके ऊपर, करप्टिंग द यूथ एंड इंटरफेयरिंग विद द रिलीजन ऑफ द सिटी, सो ये चार्जेस के मद्देनजर उनको अंदर डाल दिया गया जेल में और फिर उनको सेंटेंस्ड टू डेथ। तो वो डेथ जो है वो 399 BCE में इनको मतलब वो वर्डिक्ट सुना दिया गया डेथ का, और इन्होंने इस आउटकम को बहुत ग्रेसफुली जो है वो एक्सेप्ट किया। एट द एज ऑफ 70 उन्होंने वो हेमलॉक जो है जो पॉइजन है वो पी लिया, और वो अपने फ्रेंड्स और डिसाइपल्स जो थे उनके, उनकी कंपनी में फिर इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, ठीक है। तो जो इनका ट्रायल है या जो लास्ट डेज रहे हैं इनके, वो प्लेटो ने बखूबी डिफाइन किए हैं अपने जो डायलॉग है, अपॉलोजी, क्रिटो और फैदो, तो ये नाम है उनकी राइटिंग्स के, ठीक है जी। ये यहाँ पे आपको सोक्रेटिस की डेथ देखने को मिलेगी, ये यहाँ सोक्रेटिस हैं अगर आपको दिख रहा हो तो, ये यहाँ पे, ये देखिए इनके डिसाइपल दूसरी तरफ मुंह करके इनको ये जहर का प्याला दे रहे हैं, हेमलॉक जो इन्होंने पीने का डिसाइड किया था, और ये बाकी लोग हैं यहाँ, यहाँ पीछे इनकी वाइफ है ऐसा दर्शाया गया है, ठीक है। सो ये आर्टिस्ट जैकिस लुइस डेविड ने ये बनाई है पेंटिंग जो है, सो यहाँ पे आपको उनकी डेथ जो है वो नजर आएगी। ओके, फैदो जो है वो डिपिक्ट करते हैं डेथ ऑफ सोक्रेटिस, जो हमने ऊपर पढ़ा कि ये प्लेटो की लिखी हुई जो है वो राइटिंग है, एंड इज ऑल्सो प्लेटोज फोर्थ एंड लास्ट डायलॉग टू डिटेल द फिलोसोफर्स फाइनल डेज, तो ये इनकी फोर्थ और लास्ट है जो प्लेटो इसके बारे में है, एरिस्टोटल के बारे में है, और बाकी तीन कौन कौन सी हैं, यूथाइफ्रो, अपोलॉजी और क्रिटो, और प्लस ये आपकी फैदो। सो ये इनकी राइटिंग्स हैं सोक्रेटिस के बारे में जो आप ध्यान रख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स रहे हैं जी सोक्रेटिस के, प्लेटो जो कि ग्रेटेस्ट फिलोसोफर माने जाते हैं हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में, एलेसिबियड्स एक मिलिट्री जीनियस रहे हैं, एरिस्टिपस जो कि क्रायनिक स्कूल ऑफ हेडोनिज्म के फाउंडर हैं, देन ये और भी नाम है क्रिटो वगैरह, तो इन सब, ये सारे की सारी चीजें क्या हैं, ये सारे उनके स्टूडेंट्स हैं जो, जिनकी वजह से सोक्रेटिस जाने जाते हैं, ठीक है। देन अगर हम सोक्रेटिस का जो है वो डायलेक्टिकल मेथड है उसको डिस्कस करें, तो उसको डिस्कस करने से पहले कुछ एक चीजें, जैसे एथिक्स ऑफ नॉलेज की जब ये बात करते हैं, सो एक जो इनका वो था ना, मतलब एक एटीट्यूड जो था इनका, वो लिंकिंग नॉलेज टू हैप्पीनेस, तो ये नॉलेज को हैप्पीनेस से लिंक करके देखते हैं। सो इनका मानना है, मतलब ऑब्वियसली इनकी ये जो चीजें बोल रहे हैं, जो प्री सोक, क्योंकि एक एरा रहा है सोक्रेटिस का, सो जो प्री सोक्रेटिक थिंकर्स रहे हैं, तो वो उनसे अलग चीजें आपको इनकी देखने को नजर आएंगी। तो जो सोक्रेटिस है वो कोर थीसिस वाज दैट ह्यूमन डू नॉट नोइंगली एक्ट एविल, यानी जानबूझ के कोई भी इंसान गलत काम नहीं करता, एविल की तरह एक्ट नहीं करता, हम वही करते हैं जिस जो हम मानते हैं कि ये बेस्ट है वो करने की कोशिश करते,
सकते हैं। सो एक अगर इम्प्रॉपर कंडक्ट है वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि उन चीजों को इग्नोर किया गया है। तो इम्प्रॉपर कंडक्ट मतलब किसका प्रोडक्ट है, इग्नोरेंस का। अगर आप इग्नोर कम करेंगे तो सोसाइटी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, अगर आप ज्यादा इग्नोर करेंगे तो बहुत सारे इम्प्रॉपर कंडक्ट होते रहेंगे और फिर चीजें सोसाइटी में गलत ही होंगी। ठीक है, सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये हैप्पीनेस को नॉलेज के साथ लिंक करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर जो हमने एथिक्स की बात की अभी अभी, एथिक्स ऑफ नॉलेज की, जिसको हम हैप्पीनेस से कनेक्ट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, उसकी भी कुछ एक मेरिट या डीमेरिट्स हैं। तो जो सोक्रेटिस का जो एथिक्स ऑफ नॉलेज है उसकी मेरिट्स में अगर हम देखें तो वो फ्री है, मतलब फ्री ऑफ पॉसिबल मिसकंसेप्शन। यहाँ पे मिसकंसेप्शन आपको नजर नहीं आएंगे अगर आप ट्रेडिशन की या थियोलॉजी की बात करें। बट डीमेरिट क्या रहेगी कि कोई थियोरेटिकल फाउंडेशन है ही नहीं। हम जो कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं या जो एक्सेप्टेंस हम दे रहे हैं डायलॉग को कि वही एक इफेक्टिव मेथड होना चाहिए पढ़ाने का, क्योंकि डायलेक्टिकल मेथड मतलब डायलॉग के उसमें बातचीत करना, बातचीत करके आप चीजों को समझा रहे हैं, राइट। सो ये मेरिट और डीमेरिट है, बहुत ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है। पैराडॉक्सेस अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बिलीव्स हैं ट्रेडिशनली जो कि ये आपके सोक्रेटिस हैं उनके नजरिए में आप मतलब जो इन्होंने बातें बोली हैं वो पैराडॉक्सिकल आपको नजर आएंगी। तो पैराडॉक्स कैसे नजर आएंगी, यानी वो अपनी ही बातों को कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, मतलब एक कॉमन सेंस वाली चीज है उसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो उनको हम क्या बोल देते हैं, सोक्रेटिक पैराडॉक्सेस बोलते हैं। ये हैं कुछ एक उनमें से, नो वन डिजायर्स एविल, मतलब कोई गलत चीज या कोई गलत काम करना ही नहीं चाह रहा है, कोई डिजायर नहीं करता इस चीज की। ठीक है, कोई भी काम जो है, नो वन एयर्स और डज रॉन्ग विलिंगली और नोइंगली, तो कोई जानबूझकर या विलिंगली इच्छा से जो है कोई गलत काम नहीं करता। ये भी हमें नहीं, मतलब एक वो होता है ना कॉमन सेंस वाली चीज की, नहीं बहुत बार होता है कि आप नोइंगली भी गलत कर देते हो, राइट। वर्च्यू इज नॉलेज एंड ऑल वर्च्यू इज नॉलेज, और वर्च्यू इज सफिशियंट फॉर हैप्पीनेस। सो वर्च्यू आप जो है किसको बोल सकते हैं, एक तरीके से वर्च्यू इज लाइक गुण, तो उसी को आप नॉलेज बोल रहे हैं या सारे गुणों को नॉलेज बोल रहे हैं, वो चीज भी एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हमें नजर आएगा। और क्या एक गुण या वर्च्यू जो है वो सफिशियंट है हैप्पीनेस के लिए, ये भी हमें नहीं पता। तो ये चीजें जो है वो थोड़ी सी पैराडॉक्सिकल वे में चली जाती हैं। ठीक है, इन्होंने इंडक्टिव मेथड ऑफ आर्ग्यूमेंट इन फिलोसफी, तो इंडक्टिव मेथड जो है जो कि आज भी रेलेवेंट है एक साइंटिफिक मेथड ऑफ रीजनिंग की तरह, जो हम लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते भी हैं। सो सोक्रेटिस ने जो है वो क्या किया था, इंडक्टिव मेथड को वो किया था मतलब डेवलप किया था एक तरीके से। तो ये वो होता है कि पहले मतलब हमने इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों मेथड पढ़े हैं। डिडक्टिव में मैंने आपको बताया हुआ है जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव में बताया हुआ है स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये मेथड आज भी रेलेवेंट है इनका, जो इंडक्टिव की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एरिस्टोटल ने फर्दर इसको डेवलप भी किया है। देन डायलेक्टिकल मेथड या एलेनक्योस या एलेनक्यूएचयूएस भी आपको कई जगह लिखा मिल जाएगा, ये वर्ड्स रिलेटेड हैं सोक्रेटिस से। सो एक मेथड ऑफ इंटेरोगेशन है जो डायलेक्टिकल मेथड की हम कब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो डायलेक्टिकल मेथड इसमें क्या होगा, इंटेरोगेशन रहेगा, यानी आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो किसी अगले इंसान से, तो वो क्या होगा, एक डायलॉग की तरह बातचीत ही होगी ना, कि आप पूछ रहे हो, सामने वाला जवाब दे रहा है, फिर आप कुछ और पूछ रहे हो। सो वो एक क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, लेकिन इस क्रॉस एग्जामिनेशन का नेचर क्या है या पर्पस क्या है, रिफ्यूटेशन। सो जब रिफ्यूट करना, इट्स लाइक कि आप सामने वाले की चीज जो वो बोल रहा है उसको गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है। ओके, सो इंडक्शन जो है वो एक एग्जैक्ट मेथडोलॉजी है जो कि यहाँ पे डायलॉग्स में अप्लाई होती है। इट्स लाइक स्पेसिफिक टू जनरल, तो आप स्पेसिफिकली फिर पहले क्रॉस एग्जामिन करते हो और फिर एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट तक पहुंचते हो। ओके, ग्रीक में भी अगर हम डायलेक्टिकल की बात करें तो डाय मीन्स बिटवीन और लेगिन मीन्स कलेक्ट रीड या फिर स्पीक। सो एक इंटर सब्जेक्टिव मेथडोलॉजी जो है वो आप बोल सकते हो डायलेक्टिकल मेथड को। प्लेटो ने इस मेथड को एक यूनिवर्सल मेथड बनाया, एरिस्टोटल ने इसको इंप्रूव करके जो है मेथोडोलॉजी को वॉकिंग डायलॉग्स में जो है वो कन्वर्ट किया एंड फाउंड इट मोस्ट यूजफुल टू रीच द प्रिमाइसेस ऑफ एनी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की प्रिमाइस तक पहुंचने के लिए, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की प्रिमाइस कौन सी होती है, जनरल होती है, और फिर हम उसमें कंक्लूजन क्या निकालते हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में स्पेसिफिक निकालते हैं। सो इसकी प्रिमाइस हो गई जनरल, यानी एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए वॉकिंग डायलॉग्स की इन्होंने बात की। तो प्लेटो ने इसको थोड़ा यूनिवर्सलाइज बना दिया और एरिस्टोटल ने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। ओके,
एक जाको हिंटिका है जो कि मतलब बोलते हैं इनका थोड़ा सा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है अगर आप देखेंगे तो, ये थोड़े से क्रिटिसाइज्ड वे में बोलते हैं सोक्रेटिस के लिए। और ये यहाँ ये भी बोलते हैं, इन्होंने एक जो है राइटिंग है इनकी सोक्रेटिक एपिस्टेमोलॉजी, एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज सीकिंग बाय क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस या क्रॉस एग्जामिनेशन करके आप एक्सप्लोर कर रहे हो नॉलेज को, ठीक है। तो ये सोक्रेटिस की सोक्रेटिक एपिस्टेमोलॉजी जो इन्होंने राइटिंग दी है, इन्होंने एक कमेंट किया है यहाँ पे, कमेंट ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको नजर आ रही है, इसमें ये बोलते हैं कि सोक्रेटिस ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो सब जानते हैं, ठीक है। सो एक वो होता है ना कि बट इन्होंने इस मैनर में वो प्रैक्टिशनर रहे हैं इंटेरोगेटिव मेथड के, कि उन्होंने बोला है कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चन जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको उस चीज के बारे में ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चनिंग की बात की, इन्होंने डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की है। तो जो प्लेटो है वो ये मतलब इनका मानना है, ये क्या बोलते हैं इनका जैको का मानना है कि प्लेटो ने ये शब्द जो है एक तरीके से, ये शब्द ये जो डेफिनेशन वाले या चीजों जो भी शब्द आपने प्लेटो से सुने हैं ये सोक्रेटिस के हैं ये नहीं लगता है। ये भी तो हो सकता है ना कि प्लेटो ने उनके मतलब माउथ में ये शब्द डाले हों, सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को मिलता है किसका, जैको का। वो बोलते हैं कि ये सारी चीजें सोक्रेटिस ने नहीं बोली है, ये भी तो है ना कि ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे वो प्लेटो पुट दिस क्वेश्चन इनटू सोक्रेटिस माउथ, क्योंकि प्लेटो ने एक वाइड स्प्रेड चीजें शेयर की हैं ग्रीक अजम्पशन से रिलेटेड, ओके, डेफिनेशन से रिलेटेड। तो ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने वो शब्द उनके मुंह में डाले हों, ओके। रैशनलिज्म आपको इनके डायलेक्टिकल मेथड में नजर आएगा, जिसमें आप जो है बेसिकली एक रीजन के साथ आप आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, कंक्लूजन पे आप जो है रीजनिंग, प्रॉपर रीजनिंग से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आजकल हमें देखने को नहीं मिलता। मतलब आप जो है ये क्या बोलते हैं कि आप लोगों को कन्विंस करो रीजनिंग के साथ, एक प्रॉपर एविडेंस के साथ। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया जो भी रिटोरिक तरीका यूज करते हैं लोगों को कन्विंस करने का, जो जो कि आजकल के पॉलिटिशियंस के बिल्कुल अगेंस्ट आपको नजर आएगा। अब जो डायलेक्टिकल मेथड या जो डायलॉगिक वे में क्रॉस एग्जामिनेशन की बात हमने की, उसमें आपको जो है एक नोशन या कुछ एक चीजें नजर आएंगी, जैसे इंटेरोगेशन। सो आप इसमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जो ये डायलेक्टिक मेथड है एक तरीके से, या जो मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग प्रॉब्लम है, कैसे, डायलॉग डिस्कशन के थ्रू, इसको हम क्या बोल देते हैं, सोक्रेटिक मेथड बोल देते हैं। तो जब भी सोक्रेटिक मेथड की बात आए, यानी कि आप जो है डायलॉगिक डिस्कशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं चीजों का, इसमें और क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इसमें आएगा सोक्रेटिक का जो है आपका आयरनी या जो मेथड ऑफ इग्नोरेंस है वो, क्योंकि सोक्रेटिस का मानना है कि जब तक आप इग्नोर करेंगे ना कि आपको चीजें नहीं पता है, तो आप सीखने की कोशिश करेंगे। तो वो इग्नोरेंस जो भी आपको अभी तक आता है उसको इग्नोर करते हुए नई चीजों को सीखने की विलिंगनेस रखना, अगर आप ये चीज रखेंगे तभी आप जो है किसके लिए एड्रॉइट या फिर स्किलफुल क्वेश्चनिंग के लिए बेटर बन पाएंगे, तभी आप बेटर तरीके से क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। तो सोक्रेटिस बोलते हैं कि जो डायलॉग डिस्कशन है ना उसमें आप ये बात ध्यान रखिए, आपको सिर्फ एक ही चीज पता हो कि कुछ ना पता हो, ठीक है। सो आई नो ओनली दैट आई डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि आप अगर ये सोच के चलेंगे मुझे सब पता है तो आप क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। देन कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन आता है, सो इनिशियल क्वेश्चन यूजुअली जो है उस इनिशियल क्वेश्चन के लिए आपको एक डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि आपको एक क्लैरिटी देगी कि इसका मतलब क्या होता है। तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन, देन एनालिसिस, जो भी सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस आपने वो डेफिनेशन के बाद पूछे हैं तो आप उनको फिर एनालाइज करेंगे, जो भी इंप्लीकेशंस में आपने देखे, और एनालाइज करने के बाद आप चीजों को जनरलाइज करेंगे। तो ये देखिए, ये स्पेसिफिक से क्वेश्चन पूछते पूछते जनरलाइज्ड स्टेटमेंट पे पहुंचे हैं एक तरीके से, ओके। देन बात आती है कि इनके जो मेजर आइडियाज हैं, तो वो सिस्टमैटिक डिवीजन हम देख लेते हैं सोक्रेटिस की फिलोसफी का। तो सोक्रेटिस की फिलोसफी में एक सबसे पहली चीज है फिलोसफिकल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम मैन से रिलेटेड स्टडी करते हैं, तो सोक्रेटिस बोलते हैं कि वो प्रॉपर ऑब्जेक्ट है स्टडी की, फिलोसफी की स्टडी अगर हमें करनी है तो ऑब्जेक्ट कौन रहेगा, मैन रहेगा, ठीक है। सोक्रेटिस कंसर्न्ड नहीं है जो भी मेटाफिजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे, वो बिलीव करते हैं कि फिलोसफी जो है शुड अचीव प्रैक्टिकल
रिजल्ट्स, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटर वेलबींग फॉर मेन द इंडिविजुअल। तो वो मेन के अराउंड जो है चीजें आपको रिवॉल्व करती हुई नजर आएंगी, यानी अगर आप प्रॉपर स्टडी करना चाह रहे हैं फिलोसफी की तो आप आदमी को स्टडी कर लीजिए, उससे रिलेटेड आप जो है फिर ये किसमें इंटरेस्ट था इनका कि आप एथिक्स और पॉलिटिक्स, क्योंकि एथिक्स और एथिक्स जब आप एक पूछोगे किसी से या एक डिलेमा क्रिएट करोगे तो वहां से आपको अगले इंसान की फितरत पता चलती है। सो एथिक्स और पॉलिटिक्स में सेंटर्ड रहे ये थोड़े, क्योंकि वहां से आप बेटर तरीके से मैन को जान सकते हो। तो उसी से अगर आप देखेंगे, अरे एक सेकेंड, देन दूसरी, क्योंकि इन्होंने एथिक्स की और पॉलिटिक्स की बात की है तो उसमें भी ये नेचुरल एथिक्स की बात करते हैं। तो इन्होंने एक एथिकल सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड, ह्यूमन रीजनिंग पे बेस्ड, रादर देन जो भी आज तक प्रीस्ट या रूलर्स ने डायरेक्टिव्स बनाए हैं उनकी बजाय ये ह्यूमन रीजनिंग के बेसिस पे एक एथिकल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं वो एस्टेब्लिश करने की, ठीक है। इन्होंने इंसिस्ट भी किया कि नॉलेज इज नॉट फॉर पॉलिटिकल पावर, तो नॉलेज जो है वो पॉलिटिकल पावर के लिए नहीं है, वो चीज भी इन्होंने बोली। फर्दर अगर आप इनके नेचुरल एथिक्स की बात करेंगे तो ये एथिक्स में भी वही नेचुरैलिटी की बात करते हैं कि मतलब चीजों से जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए पैसे ना लेना, या जो इनके सोक्रेटिस के डायलॉग हैं वो जो एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन है उनकी वो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन में ही हमें जो है डायलैक्टिकल व्यू इनका नजर आता है। ओके, नॉलेज, सेल्फ नॉलेज और विजडम को ये एक्सप्लेन करते हुए नजर आएंगे। सोक्रेटिस जो है वो मानते हैं कि इंसान के लिए सबसे हाईएस्ट गुड क्या रहेगा, वो रहेगा ह्यूमन बीइंग की हैप्पीनेस, ठीक है। सो दैट द हाईएस्ट गुड फॉर एनी ह्यूमन बीइंग इज हैप्पीनेस। जो भी आप इंसान काम करता है ना वो मोटिवेटेड रहते हैं उसकी डिजायर फॉर हैप्पीनेस। ऑब्वियसली आप खुश रहना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाह रहे हैं क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल चाहिए ताकि आप हैप्पी रह सकें, राइट। तो वो हैप्पीनेस की डिजायर के अराउंड इंसान के काम रिवॉल्व करते हैं। तो जो नॉलेज है, वर्च्यू है या विजडम है, ये एक तरीके से सेम ही है, क्योंकि इंसान को अपने एक्शन से ये चीजें चूज करनी है कि वो हैप्पीनेस के बारे में क्या सोचता है। ओके, जो हाईएस्ट नॉलेज है उसको अपनी एबिलिटी रीजनिंग के बेसिस पे जो मिलेगी, क्योंकि उन रीजनिंग के बेसिस पे वो एक पर्टिकुलर काम चूज करेगा जिससे उसको हैप्पीनेस मिलेगी। तो जो हाईएस्ट नॉलेज उसको मिली है इंडिविजुअल को, वो उसी को मिलेगी जो कि ट्रूली अपने आप को जानता हो, ठीक है। तो हाईएस्ट नॉलेज किसके पास है, जो अपने आप को जानता है, और ये जो नॉलेज है ये अल्टीमेटली क्या बनाती है, विजडम बनाती है, ठीक है। सो एक तरीके से तो तीनों चीजें सेम सी नजर आएंगी आपको, बट आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस के बारे में, या इन चीजों के बारे में, या उस एक्शन के बारे में, वो डिसाइड करेगा कि आप जो है कितने हैप्पी हैं, या क्या डेफिनेशन आपके लिए रहेगी नॉलेज, वर्च्यू या विजडम की। ओके, देन पॉलिटिकल फिलोसफी, इन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने अप्रूव नहीं किया है। इनका मानना है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रहेगी जो कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान जिसको रूल कर रहा हो, जिसमें सारी एबिलिटीज, नॉलेज, वर्च्यू, सारी चीजें हों, ठीक है। तो वो इंसान, तो ये एरिस्टोक्रेटी की तो हो गया एक तरीके से, राइट। तो वही हमने बोला था कि जो जो चीजें हमें इनके बारे में पता है उन्हीं से हम बाकी चीजें अज्यूम करना चाह रहे हैं। ओके, देन इम्पॉर्टेंट फॉर अस एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ सोक्रेटिस, तो इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एजुकेशन की तरफ वो है क्वालिटीज ऑफ सोक्रेटिक टीचिंग मेथड, और एक पर्पज क्या है एजुकेशन का। तो अगर क्वालिटीज की बात करेंगे इनके मेथड की, तो इनका मेथड क्या बताया मैंने आपको, डायलेक्टिकल मेथड, जिसमें आप क्वेश्चनिंग करते हो, क्रॉस एग्जामिन करते हो, डायलॉग डिस्कशन कर रहे हो, राइट। तो जो सोक्रेटिस का मेथड है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम सेंटर्ड है वो चीज़ें, स्टूडेंट के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड है, टीचिंग जो है वो आप ड्रॉ कर रहे हो ना कि बता रहे हो, यानी आप थोड़ा सा हिंट देके बच्चों से ही चीज़ें, मतलब वो बातचीत के जरिए आप उनसे सही आंसर, एक प्रोबेबल आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, रादर देन उनको सीधा सीधा आंसर बता देना। और लर्निंग को जो है ये एक डिस्कवरी की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक बार इन पांचों पॉइंट्स से रिलेटेड अगर आप देखेंगे, सो प्रॉब्लम सेंटर्ड मतलब डायलेक्टिक जो मेथड है वो शुरुआत ही प्रॉब्लम को एनालिसिस से करनी होती है, ठीक है। जैसे व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द नेचर ऑफ जस्टिस, तो यहां से इस प्रॉब्लम से चीजें शुरू हुई है, वो डिस्कशन शुरू हुआ है। देन स्टूडेंट के एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहेगा, क्योंकि जो डायलॉग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आप अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के बेसिस पे ही तो बोल रहे हैं उस डायलॉग डिस्कशन में, राइट। देन और आप सोच समझ के बोल रहे हैं, आप अपनी स्टेटमेंट्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं,
वो क्या रहेगा, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड रहेगा टीचिंग। जो सॉक्रेटिस का जो मेथड है उसमें टीचर बताता नहीं है कि ये प्रॉपर आंसर है, टीचर जो है क्या कर देता है, एक प्रोबेबल आंसर तक बच्चों को ले जाने की कोशिश करता है। जैसे सॉक्रेटिस ने एक एनालॉजी प्रेजेंट की, नॉलेज और विजडम जो है वो एंड रिजल्ट है, और जैसे और एंड उसमें क्या है, मतलब एम ऑफ द डायलॉग क्या आ गया, चाइल्ड आ गया। जैसे इन्होंने एक एनालॉजी क्या प्रेजेंट की कि एक नर्स है जिसका स्पेशल फंक्शन क्या हो जाता है बच्चे के जन्म के दौरान, कि वो मदर को सपोर्ट करती है कि हेल्दी मैनर में बच्चा जो है वो मदर के अंदर से बाहर आ जाए, ठीक है। तो वो बच्चे को खींचती है, शी पुल्स आउट द चाइल्ड, ओके। तो जो स्टूडेंट है वो क्या है, इज द मदर ऑफ द नॉलेज। तो टीचर यहां पे एक तरीके से मैया की तरह एक्ट करेगा, और वही एम ए आई ए मैया ही, मुझे तो जहां तक लगता है ये मैया ही है, बाकी आप जो है इग्नू के मटेरियल में भी चेक कर सकते हैं। तो जो मैया है ये यही सॉक्रेटिस का डायलॉग, ये डायलॉजिकल मेथड, मतलब जिसमें आप डायलॉग की बात करें तो डायलॉगिकल मैथड जो है वहां से जहां हम नॉलेज ड्राइव कर रहे हैं, तो इसको हम मियोटिक मैथड भी बोल रहे हैं, जहां पे इन्होंने ये नर्स वाली एनालॉजी प्रेजेंट की है। तो बेसिकली इन्होंने टीचर को थोड़ा एक तरीके से सेंटर स्टेज से दूर कर दिया है कि करना तो बच्चे को ये, टीचर सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा, ओके। लर्निंग को ये डिस्कवरी की तरह ट्रीट करती हैं कि आप चीजों को जानते जाएंगे फिर उनको जनरलाइज करेंगे, और प्लस पहली चीज सॉक्रेटिस क्या बिलीव करते हैं कि इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉइंग द इल्यूजन कि हम ऑलरेडी परफेक्ट है, मतलब एक वो होता है ना कि वी ऑलरेडी कंप्रीहेंड द वर्ल्ड परफेक्टली, कि हमें पूरा का पूरा संसार बहुत परफेक्टली समझ आ रखा है। सो वो चीज को डिस्ट्रॉय करना, ये जो इल्यूजन है, इस बबल से बाहर आना कि ऐसा नहीं है, और फिर ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना इस फैक्ट को हमारी इग्नोरेंस के बारे में कि हम चीजों को इग्नोर, मतलब हमें नहीं पता है चीजों का, हमें सीखनी है और उस सीखने के पर्पस से चलेंगे तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि डिस्कवरी जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, हम चीजें आगे बढ़ते बढ़ते नई नई चीजें सीखते जाएंगे, ठीक है। अब कुछ एक चीजें हैं जो हम सॉक्रेटिस के फॉलोअर्स से सीख सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो फॉलोअर्स में सबसे पहली जो चीज थी वो तो हमने देखा कि प्लेटो का जो यूथाइफ्रो है, ठीक है, तो वहां पे उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसमें क्या है कि इंटरेक्टिंग विद एन एरोगेंटली कॉन्फिडेंट यंग मैन, तो उसमें इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि सॉक्रेटिस जो है वो सिस्टमेटिकली रिफ्यूट करते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं कि जब वो क्वेश्चनिंग पूछ रहे होते हैं ना, एक उनका डिलेमा ऑफ यूथाइफ्रो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें वो एक लॉजिकल डिलेमा जो है वो क्रिएट कर रहे हैं कि कौन सी चीज पहले है या कौन सी बाद में है। सो वो एक जो लॉजिकल डिलेमा वो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे वो होता है ना अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, सो वैसी सी चीज इन्होंने डिलेमा जो है वो यूथाइफ्रो में भी क्रिएट, मतलब प्लेटो ने लिखा है यूथाइफ्रो, सो वहां पर भी हमें एक डिलेमा नजर आता है। तो वहां से भी हम देख सकते हैं कि ये रेफ्यूट करते हैं चीजों को सिस्टमेटिकली, मतलब कि वो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है ना उसमें वो क्या करते हैं कि उस क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान वो ये जान, वो जो अगला इंसान बोल रहा है उसको रिफ्यूज करने के लिए, उसको गलत प्रूव करने के लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग फर्दर करते रहते हैं, ठीक है। देन एक क्रेटो की रिपोर्ट है ड्यूरिंग जो सॉक्रेटिस जेल में थे उस दौरान, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत फ्रेंडली एफर्ट जो है वो वहां पे दिखाए हैं, रादर देन उसके ऊपर डिबेट करना कि मुझे नहीं जाना है जेल या जो भी चीजें, उन्होंने इस ये जो उनकी वो जेल में थे ना उसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह क्रिएट किया, यूज किया कि क्या करने के लिए, मियोटिक मेथड जो है उसको एक्सरसाइज करने के लिए। उन्होंने कंक्लूड किया कि जो इंडिविजुअल सिटीजन है ना, क्योंकि उस जो अपना ये मियोटिक मेथड है या जो फिलोसफी है सॉक्रेटिस की, वो तो यही बोलते हैं ना कि एक बेस्ट इंसान जो है वो रूल करे। सो वो कंक्लूड करते हैं कि जब वो जहर का प्याला पी रहे होते हैं ना, वो इस चीज को कंक्लूड करके पीते हैं कि एक जो इंडिविजुअल सिटीजन है, भले ही वो विक्टिम के होते हुए उसके साथ अनजस्ट ट्रीटमेंट हो, यानी चीजें अनफेयर हो, भले ही गलत हो रही हो उसके साथ चीजें, या जो वो इनोसेंट है बट उसको फांसी पे चढ़ाया जा रहा हो, उसको कभी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए इन चीजों को कि वो जो है उसको नहीं मानेगा, रिफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लॉज है ना स्टेट के उनको ओबे करना हमारी जिम्मेदारी है, भले ही हमारे साथ गलत हो रहा हो, ठीक है। सो वो बहुत, मतलब एक ये सिचुएशन जो उन्होंने क्रिएट की, मतलब जो सिचुएशन उनके साथ हुई लाइफ में, उसको भी उन्होंने एक शिक्षा देने के लिए यूज किया कि आप भले ही आपके साथ गलत हो रहा हो बट आप लॉज को फॉलो ना करना ये कोई ऑप्शन नहीं है, आपको आराम से लॉज को फॉलो करना, रिफ्यूज नहीं करेंगे आप, ओके।
एक जो प्लेटो की अपोलॉजी है ये भी उनकी एक राइटिंग है जिसमें सोक्रेटिस की जो है वो स्पीच लिखी हुई है अपने डिफेंस में, ठीक है, कि वो जब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्यों जो है मतलब होता है ना कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उनको जेल में होना चाहिए. सो वो जो फिलोसफिकल एक्टिविटी वो जिस तरीके की फॉलो करते हैं उसको डिस्क्राइब किया है. सो वो स्पीच उन्होंने अपने डिफेंस में दी थी एथेनियन ज्यूरी के सामने, वो प्लेटो ने अपोलॉजी वाली राइटिंग में लिखी है, बट वो अनसक्सेसफुल स्पीच थी क्योंकि उनको जो है मौत तो वापस से मिलनी थी, मौत तो उनको डिक्लेयर कर ही दी गई थी, राइट. देन सोक्रेटिस की एक मैनो भी है जी, ये भी एक राइटिंग है, उसमें ये डिटरमाइन करने की कोशिश की जा रही है कि वेदर और नॉट वर्च्यू कैन बी टॉट, क्योंकि नेचुरली वो होता है ना कि आप एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप नेचुरली वर्च्यू तक पहुंचते हैं, बट या तो वर्च्यू को आप पढ़ा सकते हैं, टॉट कर सकते हैं या नहीं, वो चीज जो है यहाँ पे हमें सीखने को मिल रही है कि दोनों मतलब वो क्वेश्चन है ना दोनों तरफ से ओपन एंडेड वाली चीजें खुली हुई हैं, ठीक है. ऑल्दो डायरेक्ट आंसर तो ये होता है कि वर्च्यू जो है वो अनटीचेबल, आप उसको टीच कर ही नहीं सकते, आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखोगे, राइट. बट सोक्रेटिस ने एक प्रपोज किया डॉक्ट्राइन ऑफ रिकलेक्शन, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाई वी नेवरदलेस आर इन पोजेशन ऑफ सिग्निफिकेंट नॉलेज अबाउट सच मैटर्स, तो हमें सब कुछ वैसे भी नहीं पता होता, ये चीज को बताने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ रिकलेक्शन जो उन्होंने प्रपोज की है. प्रोबेबली ये जो डॉक्ट्राइन है वो ओरिजिनली सोक्रेटिस की है या प्लेटो की खुद की है, उन्होंने सोक्रेटिस के मुंह में शब्द रखे हैं, तो आइडियली दोनों सिचुएशन हो सकती है, हमें नहीं पता है क्योंकि सोक्रेटिस के बारे में हमें डायरेक्टली सोक्रेटिस के द्वारा लिखी हुई चीजें नहीं मिल रही हैं. ओके, क्रिटिकल मेथड की अगर हम बात करें या क्रिटिकल उस मतलब क्रिटिक्स की बात करें कि क्या जो है क्रिटिसिज्म यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो जाको अगेन, जाको जो उन्होंने जिन्होंने बोला था कि ये सोक्रेटिस के ही हैं या सोक्रेटिस के मुंह में शब्द रखे जा रहे हैं प्लेटो के द्वारा, वो हमें नहीं पता. सो वही जो है डायलेक्टिकल मैथड में इन जनरल कुछ एक ड्रॉबैक्स जो है वो जाको ने निकाली हैं. इनका कहना है कि आप डायलेक्टिकल मैथड की बात कर रही हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चनिंग की बात कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रही हैं, बट ये क्लियर नहीं है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का जो आंसर है लॉजिकली वो किस तरीके का दिखेगा, ठीक है. और ये भी क्लियर नहीं है कि हमें उस आंसर को ढूंढते टाइम क्या पहले से अजम्पशन प्रिजम्पशंस करने चाहिए, तो प्रीसपोजिशंस का हमें नहीं पता है कि पहले क्या मान के चले, ना ही हमें एक प्रॉपर तरीका पता है. अगर हमें आंसर भी पता हो तो हमें फिर वो तरीका, क्योंकि कोई लॉजिकल इंफरेंस निकालने की तो कोई रूल्स ही नहीं है ना क्वेश्चन आंसर स्टेप्स वाले के अलावा, तो वो रेलेवेंट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आंसर स्टेप्स क्या रहेंगे या लॉजिकल इन्फ्रेंस का स्टेप्स क्या रहेगा. सो वो एक तरीके से ये मतलब अगेंस्ट या जियोपार्डाइज या अगेंस्ट जाता हुआ नजर आ रहा है जो एनालॉजी ऑफ डिडक्शन या जो इंटेरोगेटिव इंक्वायरी है उसके, क्योंकि डिडक्शन वाले में तो हम जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं, तो जो एनालॉजी दी गई है या जो चीजें हैं, हमने बोला था ना प्रिमाइस रेडी कर रहे हैं हम डिडक्शन आर्ग्यूमेंट के लिए, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के लिए. सो पॉइंट ये है कि इनके जो चीज जो क्वेश्चन हम उठा रहे हैं वो थोड़े से अगेंस्ट जा रहे हैं, इसीलिए हम उन क्वेश्चंस को क्रिटिक्स में लेके आ रहे हैं, ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग क्या है जी ऑफ फर्स्ट जनरेशन एपिस्टेमिक लॉजिक कन्फ्रंट्स अस व्हेन वी बिगिन टू एम्युलेट सोक्रेटिस एंड एरिस्टोटल एंड मॉडल ऑल इंक्वायरी एज अ क्वेश्चनिंग प्रोसेस. तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आ जाती है जब हम सारी चीजों को एक क्वेश्चनिंग प्रोसेस की तरह ही देखेंगे, क्योंकि डायलेक्टिकल मेथड की तो बात की है इन्होंने जिसमें हम क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, तो सारी चीजों को अगर हम उस इंक्वायरी की तरह या एक मॉडल की तरह ही देखने लग गए जिसमें क्वेश्चनिंग प्रोसेस रहेगा पूरा का पूरा, बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना हर जगह, क्योंकि ये जो मॉडल है ये एक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप वहां इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां पे एक फिक्स्ड कंक्लूजन आपके पास हो, राइट. तो वो इनिशियल प्रेमाइसिस या जो चीजें हैं वो वहां से शुरू होंगी कि अच्छा ये कंक्लूजन आ रहा है, तो यहां तो ये जो क्वेश्चनिंग वाली चीज है इसमें हमें सिर्फ वाई वाले क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे प्रॉपर तरीके से, बाकी जो क्वेश्चंस हैं या बाकी चीजों के क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो हमें नहीं पता चलता यहां से. तो वो जो क्वेश्चनिंग प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं वो एक बिगेस्ट शॉर्टकमिंग जो है वो बताई, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग यहां पे जैको ने बताई है. सो वो भी ध्यान रखी जा सकती है. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें हमने सोक्रेटिस के बारे में क्या क्या चीजें याद रखने वाली हैं, ठीक है. एक सेकेंड, सोक्रेटिस, ओके.
तो सोक्रेटीज के बारे में आप उनकी फिलोसफी याद रखेंगे, स्पेसिफिकली जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो क्यों फेमस थे ये याद रख सकते हैं आप स्टोरी के रूप में। उसके साथ साथ जो इनका डायलेक्टिकल मेथड है, जिसको हम सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं, या डायलॉग वे में हम बात मतलब बातचीत, क्रॉस एग्जामिनेशन, सो वो आपको पता होना चाहिए। बहुत जगह पे सोक्रेटिक मेथड लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। सो अगर आपने सोक्रेटीज पढ़ रखा होगा तो आपको सोक्रेटिक मेथड के बारे में सारी की सारी क्लैरिटी जो है वो देखने को पता होगा, मतलब ऑलरेडी आपको पता होगी, तो आप बेटर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है जी। सो मैं उम्मीद कर रही हूँ सोक्रेटीज के बारे में आपको समझ आया होगा, ऑल्दो इनके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है एग्जैक्ट, तो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, मतलब प्रिज्यूम नहीं बोलेंगे, हम अज्यूम कर रहे हैं उनके बेसिस पे, जो जो चीजें हमारे पास, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उससे हम कुछ एक इन्फ्रेंसेज निकाल रहे हैं, और उसमें डायलेक्टिकल मेथड जो है वो आप याद रखेंगे। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।